अगर आप कभी मरे हुए व्हेल को बीच पर देखो तो वहाँ से तुरंत भाग जाना। कब क्यों कैसे सब बताऊंगा, पहले वहाँ से भागो। भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? देखो, जब भी कोई व्हेल मरता है तो दो कंडीशंस होते हैं। पहला, या तो वो व्हेल पानी में डूब जाएगा और उसे समुद्र के जानवर डिनर लंच कर जाएंगे, या फिर वो व्हेल बहकर किनारे पर आ जाएगा। मरने के बाद व्हेल का शरीर बहुत ही तेजी से सड़ने लगता है, जिस कारण उसके बॉडी में गैस बनने शुरू हो जाते हैं और धूप लगने की वजह से गैस और रफ्तार से बनते हैं। और क्योंकि व्हेल भी मोटी चमड़ी का जानवर होता है तो उसके शरीर में बने हुए गैस बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से व्हेल बहुत ही ज्यादा फूल जाता है, जो बाद में किसी बम की तरह फटता है, जिससे व्हेल के मांस के टुकड़े कई सौ मीटर दूर तक जाकर गिरते हैं। तो आप अंदाजा लगा लो, अगर आप व्हेल के पास गए और वो फट पड़ा तो क्या आप अपने दोस्तों को कभी अलविदा कह पाओगे?